ज़रा नम हो तो ये मट्टी बहुत ज़रखेज़ है साकी, छोटी उम्र में बड़े काम करने वाले लोग कम ही पैदा होते हैं। चिश्तियाँ के दास साला सादुर रहमान ने कंप्यूटर टाइपिंग में अपना नाम पैदा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। एक मिनट में इंग्लिश के 170 और टाइपिंग में मुश्किल तरीन सॉफ्टवेयर इन पेज उर्दू में 120 अल्फाज टाइप करने का रिकॉर्ड बना रखा है। कीबोर्ड के ऊपर रक्स करती उंगलियों ने सबको हैरान कर दिया। मजीद सादुर रहमान का कहना है कि अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सादुर रहमान है, ग्रेड 5 में पढ़ता हूँ। मेरी उम्र 10 साल है और जब ये कोरोना वायरस आया था तब मुझे छुट्टियाँ हो गई थी और मैंने 3 माह में अपनी इंग्लिश की स्पीड इम्प्रूव की है 170 और मेरी 1 माह में मैंने उर्दू की स्पीड इम्प्रूव की है 120। मैं अपने मुल्क कौम का नाम रोशन करना चाहता हूँ और बड़ा एक माइक्रोसॉफ्ट इंजीनियर बनना चाहता हूँ। हुकूमत पाकिस्तान से अपील है कि जिस तरह अल्लाह ताला ने मेरे बेटे को इतना टैलेंट दिया और पूरी दुनिया से लोग मेरे बेटे के टैलेंट को अप्रिशिएट कर रहे हैं तो सब प्लेटफार्म मुहैया करें ताकि ये जितने बच्चे छोटे छोटे गेम्स वगैरह खेलते हैं वो कंप्यूटर पर तवज्जो दें और बाहर के लोगों के बच्चे, पाकिस्तान के बच्चों के लोगों के बच्चे वो सब इसको कॉल करते हैं और कहते हैं कि हमने कंप्यूटर सीखनी है, हमने टाइप सीखनी है। तो माशाल्लाह जिस तरह इसकी स्पीड ने इस दुनिया में नया ट्रेंड डाला है तो अगर हुकूमत पाकिस्तान इसके साथ तावन करे तो बहुत से बच्चों का मुस्तकबिल महफूज हो सकता है। जी, 5वीं क्लास के सादुर रहमान ने आंखों पर पट्टी बांधकर टाइपिंग करने का भी दावा किया है। सादुर रहमान ने कोरोना के बायस लगने वाले लॉकडाउन में सरगर्मी अपनाई। अगर इस बच्चे पर तवज्जो दी जाए तो ये पाकिस्तान के किसी एहसासे से कम नहीं है। हुकूमत वक्त से अपील है कि ऐसे मुस्बत टैलेंट रखने वाले बच्चों की हौसला अफजाई की जाए।